नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का प्रॉफिट दिखाते हैं आपको। आज का प्रॉफिट था 1366.25 रुपये। सबसे अच्छी बात रही कि इस हफ्ते में आज अभी तक पूरे 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में मैंने एक भी स्टॉप लॉस नहीं लिया। मेरे पांचों दिन ग्रीन में क्लोज हुए। पिछले हफ्ते मेरा एक स्टॉप लॉस था, एक एसएल था, एक लॉस था मेरा। बाकी 4 दिन मेरा प्रॉफिट था। तो मैं आपको आज बताता हूँ मैंने ट्रेड क्या क्या लिया। एक ट्रेड मैंने यहाँ एक्सिक्यूट किया था, सॉरी, हाँ, इस वाले कैंडल पे किया था मैंने। यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया था। जैसे ही इसने यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाया, ये बड़ी के, फिर जैसे ही इसने हल्का सा प्राइस एक्शन बनाया था तो मैंने यहीं पर इसको शॉर्ट किया और फिर यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था इस पॉइंट पे। तो इसमें ज़्यादा नहीं था, 700 रुपये का प्रॉफिट, 600 या 650 रुपये का इसमें प्रॉफिट था मेरा। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड लिया था। ये पता नहीं क्या आप स्टॉक में दिक्कत है क्या है, आप देख सकते हैं आज फिर दोबारा से सब एक जैसा हो गया। पर मैंने आज एक नोट बनाया था इसका, तो मैं देखता हूँ वो कितना काम करता है। हाँ, दूसरा ट्रेड मेरे जो था वो 9:47 पे लिया था मैंने। वो बाय साइड की एंट्री थी। पहला जो था मेरा सेल साइड का था, यहाँ शॉर्ट किया फिर वहाँ बाय किया। शॉर्ट मतलब सेल करना होता है पहले। तो दूसरी जो एंट्री थी मेरी वो थी, सॉरी, 9:47 पे, 9:45, 46:47 यहाँ पर, ये यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत अच्छी बाइंग मूवमेंट थी। और ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी बाइंग मूवमेंट थी। तो यहाँ पर मैंने 9:46, 9:47 यहाँ पर मैंने परचेज किया था। और ये एक्चुअली क्या था कि मेरा इसका भी ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, इसमें मुझे लॉस हुआ था, थोड़ा सा लॉस हुआ था। तो जब ये ट्रेड मेरा एंड हो गया था, पूरा एग्जीक्यूट हो गया था, तो मेरे को शायद इसमें 200 रुपये का लॉस हुआ था। तीसरा ट्रेड मैंने लिया था, वो मैं देखता हूँ कि वो है मेरे पास क्या। तीसरा ट्रेड आजा आजा, हाँ, तीसरा ट्रेड मेरा फिर बाय का ट्रेड था, 10:08 पे, ये यहाँ पर। और क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस ट्रेड का लॉजिक मैं बताऊँ आपको, तो लॉजिक ये था कि ये एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन थी और ये, और इसने यहाँ पर ऐसे क्रॉस किया था, इसको डबल बॉटम लगा के इसको क्रॉस किया था। और मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 10:08 पे, इस वाले कैंडल पे। और ये हल्का सा रिट्रेस होके ऊपर गया और इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था। तो ये 897 पे मैंने इसको, यहाँ पर करीब मैंने इसको 897, ये इसके आसपास, 97, ये यहाँ पर जो है सो मेरा वो ट्रेड मैंने वहाँ से एग्जिट कर दिया था, क्योंकि फिर दिवाली की कुछ पूजा थी और कुछ इवेंट था। तो वैसे मैं एक बार सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाऊँ, छोड़ दूँ फिर, क्योंकि ये मार्केट है आज, मार्केट वोलेटाइल बहुत थी। आप देख रहे हैं कि ये गैप डाउन ओपन हुआ, इतना बड़ा एक गैप डाउन था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे क्लोजिंग इसकी कहाँ पर रही आज, ये, सॉरी, ये देखिए उसके बाद मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसने करीब करीब 600 साढ़े 600 पॉइंट का तो अपना लॉस कवर किया। उसके बाद 400 पॉइंट ये जो है सो देखिए 200 कहाँ गया, हाँ, ये 177 पॉइंट प्लस में भी रहा। तो मार्केट आज बहुत वॉलेटाइल थी, तो छोड़ देता तो वो डिसीजन अच्छा होता, मगर ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसी होती नहीं और ये कोई तरीका भी नहीं होता, तो हमें नज़र बना के रखनी होती है। तो ये था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें।